एक घूसखोर पटवारी को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये पटवारी एक पीड़ित पक्ष का काम करने के एवज में 8,000 की घूस ले रहा था। उत्तराखंड विजिलेंस ने एक शिकायत पर नानकमत्ता के पटवारी को 8,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। नानकमत्ता निवासी ग्रामीण ने विजिलेंस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके खेत पर लगी धान को काटने पर उसका गुरदीप कौर व उसके परिवार से विवाद है। इस मसले पर पीड़ित पक्ष ने उपजिलाधिकारी और तहसील सितारगंज को प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर पटवारी त्रिलोचन सुयाल द्वारा पहले भूमि विवाद होने की रिपोर्ट लगाई गई और शिकायतकर्ता के पक्ष में रिपोर्ट लगाने के एवज में 8,000 रुपये की मांग की गई। इसके बाद विजिलेंस टीम ने नानकमत्ता के पटवारी त्रिलोचन सुयाल को 8,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। विजिलेंस हल्द्वानी की एंटी करप्शन टीम ने साधु नगर सरोजा के पटवारी त्रिलोचन सुयाल को 8,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई टीम द्वारा की जा रही है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।